विमान उड़ान ही नहीं भर पा रहे हैं। भारत समेत विश्व में विमान सेवा प्रभावित हो रही है। सर्वर समस्या की वजह से विमान सेवा प्रभावित हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज, रेडियो प्रसारण में भी दिक्कतें आ रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। टेलीकॉम कंपनी, एयरलाइंस, बैंक सेवा पर भी इसका असर पड़ रहा है। ब्रिटेन के स्काई न्यूज चैनल पर प्रसारण रुक चुका है। इजराइल के हॉस्पिटलों में तकनीकी खराबी के का असर जो है वो नजर आ रहा है। तो अभी लग रहा है मानो सब कुछ थम सा गया है। दुनिया भर में एयरलाइंस के सर्वर में दिक्कत आ रही है और अगर आप अभी ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे होंगे तो आपको कुछ समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ सकता है। केंद्र जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजधानी दिल्ली, बिहार, पंजाब में बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अगर सर्च ऑपरेशन की बात, शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ रुक सा गया है, चाहे अगर टिकट बुक कराना हो तो सर्वर डाउन, अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने हो तो सर्वर डाउन, आखिर ये चल क्या रहा है? तो शंकर से संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें कि अभी मौजूदा समय में भारत के कई एयरपोर्ट्स पर तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस है वो प्रभावित हो रहे हैं, कई सेवाएं, ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हालांकि इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है ये थोड़ी देर में जानेंगे हम, हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ेंगे। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई है। आज इसकी वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है। भारत समेत दुनिया भर में एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही है। इससे फ्लाइट्स या तो लेट है या कैंसिल की जा रही हैं। भारत में चार एयरलाइन, इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया है कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से प्रभावित हुई है। एयरपोर्ट पर लोग सर्विसेज नहीं मिलने से परेशान भी हो रहे हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि समस्या का पता लगाया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के एजोर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हमें समस्या की जानकारी है और हमने कई टीमों को इसे सुलझाने में लगा भी दिया है। आपको बता दें कि कई ऐसी एयरलाइंस हैं जो प्रभावित हो रही हैं। ब्रिटेन में स्काई न्यूज का प्रसारण भी बंद हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी समस्या के कारण ब्रिटेन में स्काई न्यूज चैनल का प्रसारण बंद हो गया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का कहना है कि चैनल आज सुबह से लाइव प्रसारण नहीं कर पा रहा है। तो ये कुछ समस्याएं आ रही हैं, चाहे टेलीकॉम सेक्टर की हो, बैंकिंग सेक्टर की हो या फिर टेलीविजन सेक्टर की हो, कुछ समस्याएं अभी आ रही हैं जिन पर जांच चल रही है। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है? ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ थमसा गया है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह? लेकिन निश्चित रहते भी थोड़ी पहले लग रहा था कि ये महज जो दिक्कतें हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट की है और दिल्ली एयरपोर्ट पे इस तरह से तकनीकी तौर पर खामियों का जो एक कहा जा सकता है इनपुट जो है वो मिल रहा था। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट नहीं बल्कि कई अन्य एयरपोर्ट, इसके साथ साथ भारत के साथ साथ कई अन्य देशों में भी ये तकनीकी खामियों का खामियाजा जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से कई अन्य सेक्टर, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें या सरकारी संस्थाओं की अगर बात करें तो वहां पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। और इस मामले पर जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और उसके इसके साथ साथ अन्य एजेंसियों के द्वारा ये औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा कि किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से रुकावटें आ रही हैं और इस मामले पर तमाम जानकारियों को औपचारिक तौर पर साझा किया जाएगा। लेकिन अगर एयरपोर्ट सेक्टर की अगर बात करें तो एयरपोर्ट सेक्टर पे भी थोड़ी देर पहले ही स्पाइस जेट की अगर बात करें, इंडिगो की बात करें या अन्य एयरलाइन सेक्टर की बात करें तो उसके द्वारा भी औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया गया कि किस तरह से वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिसके वजह से आम यात्री के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब ये जानकारी मिली कि भारत के साथ कई अन्य देशों में भी ये दिक्कतें आ रही हैं तो उसके बाद
इस मामले पर अब विश्व स्तरीय चर्चा शुरू हो गई है और कहा जा सकता है कि इस मामले में थोड़ी देर के बाद माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी इस मामले पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा और कितने जल्द से जल्द इस मामले पर समाधान निकाला जाएगा और किस तरह से ये दिक्कतें हुई है इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारियां साझा की जा सकती है। बहुत शुक्रिया शंकर जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी दुबई एयरपोर्ट पर भी चेक इन की परेशानी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी हालात बिगड़े हुए हैं। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि कई और ऐसे इलाके हैं जिसमें कि इसराइल के हॉस्पिटल्स में परेशानी हो रही है। फिलहाल एयरपोर्ट्स पर तो चेक इन और तमाम बुकिंग डिटेल्स अपडेट होने में टाइम लग रहा है। अमेरिका में 911 सेवाएं बाधित हो गई हैं। ब्रिटेन में ट्रेनों का संचालन फिलहाल बंद हो गया है। ब्रिटेन में कई न्यूज चैनल्स का प्रसारण बंद हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, तो कुछ ये तकनीकी खराबी और सर्वर डाउन के चलते परेशानियां नजर आ रही हैं।